शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौसीम मीम। ये किताब रोशन की आयतें हैं। ऐ पैगंबर, हम तुम्हें मूसा और फिरौन के कुछ हालात मोमिन लोगों के सुनाने के लिए सही सही सुनाते हैं कि फिरौन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहां के बाशिंदों को गिरोह गिरोह बना रखा था। उनमें से एक गिरोह को यहां तक कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को जबह कर डालता और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता। बेशक वो मुफसिदों में था और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाएं और उन्हें मुल्क का वारिस बनाएं और मुल्क में उनको कुदरत दें और फिरौन और हामान और उनके लश्कर को वो चीज दिखा दें जिससे वो डरते थे। और हमने मूसा की माँ की तरफ वही भेजी कि इसको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना और न तो खौफ करना और न रंज करना। हम इसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और बाद में इसे पैगंबर बना देंगे। सो फिरौन के लोगों ने उसको उठा लिया इसलिए कि नतीजा यह होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए मूजिब गम हो। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर गलती पर थे। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। और मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। अगर हम उनके दिल को मजबूत न कर देते तो करीब था कि वो उस गम को जाहिर कर देती। हम चाहते थे कि वो मोमिनों में रहें। और वालिदाए मूसा ने उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर न थी। और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैरखाही से परवरिश करें। सो हमने इस तरीक से उनको उनकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और मालूम कर लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकूकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे, एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की, तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि यह तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई है तो मैं भी आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार न बनूंगा। अलगरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है। तो नागहां वही शख्स जिसने कल इनसे मदद मांगी थी फिर इनको पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा कि तू तो बड़ा बहका हुआ है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें, तो वो बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था उसी तरह चाहते हो कि तुम मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते फिरो और ये नहीं चाहते कि सुलह कराने वालों में से हो जाओ। और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया, बोला कि ऐ मूसा, अहले दरबार तुम्हारे बारे में मशवरे करते हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैरखा हूं। चुनाचे मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से नजात दे। और जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए। और जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे और अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने जानवरों को ले न जाएं, हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साये की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूं कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए।
थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और ले जाती चली आती थी मूसा के पास आई, कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। फिर जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ ना करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना हो, अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता, तुम मुझे इंशाल्लाह नेक लोगों में पाओगे। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती ना हो और हम जो मुआहिदा करते हैं अल्लाह उस पर गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो दूर की तरफ से आग दिखाई दी। वो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहां ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग तापो। सो जब उसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी डाल दो। सो जब उन्होंने देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो, अपना हाथ गरीबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद रोशन होकर निकल आएगा और खौफ दूर करने की गरज से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से मिला लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, उनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो मुझको मार डालेंगे, और हारून जो मेरा भाई है उसकी जबान मुझसे ज्यादा फसी है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे, मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे। फरमाया, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, तो हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे, तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो इसने बना खड़ा किया है, और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी सुनी नहीं। और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है और जिसके लिए आकिबत का घर यानी बहिश्त है, बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। और फिरौन ने कहा कि ऐ अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं जानता, सो ऐ हामान, मेरे लिए गारे को आग लगाकर ईंटें पका दो, फिर एक ऊंचा महल बना दो ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़कर उसे झांक लूं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और वो और उसके लश्कर मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, तो हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया, आखिर हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया, सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ, और हमने उनको पेशवा बनाया था, वो लोगों को दोजख की तरफ बुलाते थे और कयामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी, और इस दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी और वो कयामत के रोज भी बदहालों में होंगे। और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा था तो तुम तूर की मगरिबी जानिब नहीं थे और न इस वाकये के देखने वालों में थे, लेकिन हमने मूसा के बाद कई उम्मतों को पैदा किया, फिर उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई और न तुम मदियन वालों में रहने वाले थे कि उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, और हाँ हम ही तो पैगंबर भेजने वाले थे, और न तुम उस वक्त जबकि हमने मूसा को आवाज दी तूर के किनारे थे, बल्कि तुम्हारा भेजा जाना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है ताकि तुम उन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया खबरदार करो ताकि वो नसीहत हासिल करें।